स्टार्ट करते हुए हमने अपने जितने भी हमारे साथी यहाँ पर कल को बुलाया, सर कार्यक्रम बहुत छोटा सा है लेकिन इसके इसके पीछे जो श्रद्धा आपके प्रति है, जो प्यार आपके प्रति है, जो सहानुभूति आपके प्रति है, जो तो वो बहुत बड़ी है सर। तो इसलिए हमने शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा कि आप हम आपको छोटी सी चाय बाकी रखते रहते हैं आपके साथ। मैं बताना चाहूँगा सभी साथियों को कि पोसवाल साहब पिछले लगभग उनका जो टैलो रहा 6-7 साल हमारे कठुआ में उन्होंने अपना सर्विसेज प्रोवाइड करी। ऑफिसर के अंदर एक जो लाइजनिंग की क्वालिटी बहुत होनी चाहिए कोर के अंदर है, मुझे पता है। अब भी हम उनके पास जाते रहे, जब वो भी लोग जाते हैं उनके पास, तो इनका जो पब्लिक के साथ जो एक लाइजनिंग बड़ा ज़बरदस्त है, लोगों को उनके ऑफिस में जाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने काटे को फोन कर रहे थे कुंदर साहब की जरा, तो ये दर्शाता है अपने आप में कि पब्लिक के साथ इनका कैसा रिलेशन रहा, बड़ा पॉजिटिव ये रहे हैं हमेशा लोगों को समय समय पर अपने जितने खासकर जो नौजवान साथी थे उनको समय समय पर पॉजिटिव ये गाइड देते रहे कि भैया कैसे समाज में चलना है, कैसे करना है। कल कल भी उन्होंने जो एक यहाँ पर प्रोटेस्ट किया तो मुझे पता चला कि लास्ट में जब कंक्लूड किया गया स्टूडेंट्स में तो उनका बड़ा ही काम बहुत रहा, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि भैया क्या अच्छा रहा है इसको, क्या बुरा है। तो दोनों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको बैठक किया। बात ये कि हम चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा कुछ को नहीं दे सकते, लेकिन कम समय में हमें जो मिला हमने जो सोचा हमारे साथियों ने कि आपको छोटा सा तरीका करवा इसके हमने आपको बताया। तो किसी शायर ने कहा है कि वो शायर की बातें जो है मुझे लगता है भूसवाल साहब के ऊपर बड़ी स्टीक काटती है कि मंजिल मिले ना मिले मंजिल का कर नहीं मंजिल की जुस्तजू में ये कारवां तो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पोस्टवाल साहब का जो प्रयास है लोगों के साथ जो ताबन है, जो रिलेशन है, जो लाइजनिंग है, ये इन फ्यूचर जहाँ भी जाएंगे वहाँ ये अपने रिलेशन को हेल्थी रिलेशन को कामयाब और अच्छे तरीके से करेंगे। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये दोबारा एज ए एस एस पी कठुआ में आए और कठुआ